ये हम पढ़ रहे हैं बेटा एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू फिक्स्ड सेट, उनको बेचना खरीदना या उन पर डैप लगाना, उसके लिए हम फिक्स्ड सेट का ही अकाउंट बनाते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मशीन अकाउंट का। मशीन के दोनों बैलेंसेज आपको दिए होंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्वेश्चन में दिए होंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ओपनिंग बैलेंस इधर क्योंकि एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये मशीन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगर हमने मशीन बेची है तो बाय बैंक अकाउंट, मशीन पर डैप लगा है तो यहां पर आ जाएगा, और मशीन खरीदी है तो यहां पर आएगी, सॉरी टू बैंक। मशीन बेचने में अगर आपको लॉस हुआ है, मशीन बेचने में अगर प्रॉफिट हुआ है तो लगभग ये टोटल आइटम्स हैं मशीनरी अकाउंट में। लॉजिक क्या है आइटम्स को लेफ्ट और राइट साइड में लिखने का, कि आपने शुरुआत से ही पढ़ रखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके अंदर एसेट का रूल है कि एसेट इंक्रीज तो वो डेबिट होती है और एसेट डिक्रीज तो वो क्रेडिट होती है। तो जो चीजें एसेट को इंक्रीज कर रही है वो इधर है बेटा, और जो चीजें एसेट को डिक्रीज कर रही हैं वो इधर है क्रेडिट साइड में। किसी भी चीज पे डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, माइक खोल के बात कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट आप नोट करो क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड में क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं। नोट कर लिया तो हैंड रेज कर दो। अब इसी के ऊपर बेस में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 2019-2020 मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 2,50,000 और इस पे एडजस्टमेंट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर a part of machine costing 60,000 agar ek minute वाली मशीन है, ए पार्ट ऑफ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000 सोल्ड फॉर 40,000 और पूरी मशीनों पर डेप कितना लगा, डेप चार्ज रुपीज 70,000, 70,000 का डेप भी लग गया। अब ये चीजें आपको गिवन है, आपको मशीन अकाउंट बनाना है। To balance BD, by balance CD. Opening balance यहां पर जाएगा,
क्लोजिंग बैलेंस यहां पर जाएगा। मशीन बेची है कितने की बाय बैंक अकाउंट, बेची कितने की है बेटा 40,000 रुपए की। 60 वाली चीज आप 40 की बेच रहे हो, आपको लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000। मशीन पर डेप लगा टोटल बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। ठीक, टोटल करो बैलेंस बचाओ, जो यहां पर बैलेंस बचेगा उसे बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि इतने की मशीन आपने और खरीदी होगी। तो 4 और 2, 6 और 7, 13 3,80,000, 3,80,000, 1,80,000 यह आएगा मशीनरी अकाउंट। अब ये चीजें कहां कहां पर शो होंगी ये ध्यान देने वाली बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये प्लस होगा और ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, क्योंकि यहां पर मशीन हमने खरीदी है तो पैसा गया होगा, इसलिए आउटफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्योंकि मशीन बेचने से पैसा आया है, और ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आते। किसी चीज पर डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या माइक खोल के बात करो, और बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लो, अगर अलग कलर का पेन है तो बेटर है, अदरवाइज किसी पेन से नोट कर लो जैसे मैंने नोट किया है। सब कुछ हो गया हो तो हैंड रेज कर दो। दो बच्चों को हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और, मशीनरी के बैलेंस दे रखे हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन है यानी कि एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन लगा मशीन पे, डेप ऑन मशीन 80,000, बस यही एडजस्टमेंट है। अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप यहां पर आता है बेटा, टोटल करा 360,360 यहां बच गया 60,000, तो इतने की मशीन हमने इसका मतलब खरीदी होगी, ये बैलेंस बच गया। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। हर चीज लॉजिकल है, रटने वाला कुछ भी नहीं है कि आप, मैं आपको याद करा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं।
नोटेड हो गया हो तो हैंड रेस्ट कर दो बेटा, और कंसेप्ट के बाद ऐसे हैंड रेस्ट कर दिया करो अगर हो जाए, ताकि ना पूछो। एक बच्चा रहेगा बस, ठीक। कभी कभी क्या होता है, बैलेंसेस ऑफ accumulated depreciation account, यानी के provision for depreciation account के balances are also given in the question. Question में अगर ये balances भी given हो तो ध्यान क्या देना है, अब ये देखते हैं। इन सच केस वी विल प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड depreciation account also along with the machinery account. Machinery account के साथ साथ आपको accumulated debt account भी बनाना है। Question मेरी तरफ से 2019 and 2020 machine 4 lakh 50 thousand accumulated debt के balances भी आपको given है 80,000 1 lakh। ये normally अगर asset side में दिए होंगे तो bracket लगा हुआ होगा, और अगर liability side में दिए होंगे तो open दिए होंगे। यूज वही है, मीनिंग सेम है। और एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, और मैंने क्वेश्चन आपको बताना शुरू कर दिया लेकिन एक्यूमुलेटेड डेट का फॉर्मेट नहीं बताया मैंने, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे। पहले नोट कर लो, सॉल्व बाद में करेंगे। पहले मैं इसका फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ये आ गया 1,20,000। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड was sold for एक मिनट होल्ड करना, जरा मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है। ये है 80 और ये 1,00,000।
डेटम चार्ज मैंने बता दिया आपको 120, ये गलत हो गया, ये 120 थोड़ा ज्यादा हो गया, ये हम थोड़ा सही करेंगे, ये हो जाएगा 60, तो यहां पर 50,000 हो गया। ये क्वेश्चन बनाना पड़ता है सॉल्यूशन का इंपैक्ट देख के, इसका इंपैक्ट सॉल्यूशन पे क्या बैठेगा, ठीक है ना। तो डेफिन चार्ज इन द ईयर 50,000 है। अच्छा, एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 80,000 वो हमने बेच दी, पर सोल्ड फॉर 41,000। अब ये कॉस्टिंग को देखकर, ठीक है ना, कॉस्टिंग और सेलिंग प्राइस को देखकर हम प्रॉफिट लॉस का आइडिया नहीं लगा सकते। मशीन का बेचने में अगर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो वो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन होता है बुक वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता है लेकिन बुक वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें कॉस्टिंग पता है। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में से अब तक का सारा डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे मालूम हो जाएगी बुक वैल्यू कितनी है। और बुक वैल्यू से ही कंपैरिजन करूंगा मैं सेलिंग प्राइस का, तब मुझे मालूम होगा प्रॉफिट है लॉस है। ये सब बातें नोट करने वाली है, अच्छे से नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसका फॉर्मेट के साथ साथ सॉल्यूशन भी करूंगा, जैसे नोट हो जाए हैंड रेज कर, और प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेज तरीका, तो पूछना है तो माइक ऑन करके अपना बात करनी शुरू कर। दो बच्चे रह गए भैया, ठीक है, अब सपोज आपने मशीनरी अकाउंट भी बनाया और एक्यूमुलेटेड डेब अकाउंट भी बनाया, तो काफी कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर समझने वाली। आसपास अगर म्यूजिक चल रहा हो या कोई डिस्टरबेंस हो तो उसको क्लोज कर दो। मशीन का ओपनिंग बैलेंस इधर इधर होगा ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि ये एसेट है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट एक लायबिलिटी का अकाउंट होता है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो हमने लिख दी है। अब मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक आता है, अब भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी आएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो डेप आएगा ना, वो डेप बड़ा स्पेशल होता है इसमें। यहां पर बाय डेप्रिसिएशन पूरा नहीं आता मशीनरी अकाउंट में। इस केस में अगर एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट बन रहा है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो मशीनरी अकाउंट में टोटल डेट नहीं आता, सिर्फ उस मशीन का डेट आता है जो बेची है, उसे बोलते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट। मैं लिख भी देता हूं कि ये कौन सा डेट है, टोटल डेप ऑन सोल्ड मशीन, मतलब जो मशीन बेची है उसकी हिस्ट्री का टोटल डेप कितना लगा उस पर,
वो आता है इसके अंदर। जो मशीन हमने बेची है उस पे अब तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेट कितना है वो आता है इसके अंदर। फिर ऐसे केस में मशीन अकाउंट के अंदर सारी मशीनों का डेट नहीं आता, सिर्फ बेची हुई मशीन का डेट आता है, वो पूरी लाइफ का, ये ध्यान देना। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट नहीं बन रहा है तो मशीन अकाउंट में जो डेट आता है वो सब मशीनों का आता है टोटल, यानी कि जो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट आपने सीखा है ये जो डेट होता है ये होता है करंट ईयर डेट ऑन ओल्ड मशीन्स। ये सिर्फ करंट ईयर का डेट होता है लेकिन सारी मशीनों का होता है, बेची मशीन से कोई मतलब नहीं है, सब मशीनों का डेट इसके अंदर आता है, बेची या जो नहीं बेची सबका डेट आता है। लेकिन जब हम एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट बना लेते हैं तो वो डेट इसमें चला जाता है टोटल वाला, और मशीन अकाउंट में डेट रह जाता है फिर बेची मशीन का, वो भी टोटल। टोटल का मतलब पूरी लाइफ का, खाली इस साल का नहीं है वो, बेची हुई मशीन का टोटल डेट आता है, ठीक है। और मशीन अकाउंट में बाकी चीजें सिंपल जाती हैं, टू बैंक सोल्ड टू बाय परचेस्ड, और प्रॉफिट वगैरह हुआ गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ये मशीन अकाउंट का टोटल फॉर्मेट है। अब एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट का फॉर्मेट सीखो। यहां पर जो डेट आता है बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ये कौन सा आता है, करंट ईयर डेट ऑन ऑल मशीन्स। ठीक है, मोस्टली ये गिवन रहता है, मोस्टली ये गिवन रहता है क्वेश्चंस में, हमारे जो मैंने क्वेश्चन ऊपर दिया उसमें भी गिवन है ये। फिर यहां पर बचेगा बैलेंस, तो वहां पर लिखा जाएगा टू टू मशीन अकाउंट। ये बचा क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये वही डेट है, ये वाला ये वही डेट है, यानी के टोटल एक्यूमुलेटेड डेट ऑन सोल्ड पार्ट, मशीन का जो पार्ट हमने बेचा है उसका ये टोटल डेट है बेटा, पूरी हिस्ट्री का ये टोटल डेट बताया। ये डेट यहां से उठाकर हम यहां रख देंगे, ये दोनों सेम है बिल्कुल, कुछ और निशान लगाना चाहो तो वो भी लगा देता हूं, ये लो, ये दोनों सेम है। अब आप नोट करो, सब कुछ क्लियर है तो ही हैंडल्स करना, नहीं तो माइक खोल के बात करना। बहुत क्लियर, अच्छा साफ साफ नीट एंड क्लीन नोट करना बेटा।
अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है 4,04,50, 81,00,000। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेटर $80,001। ठीक है, बैलेंसेस तो मैंने लिख दिए। अब आगे देखता हूं क्या गिवन है। ये दिया हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये उस मशीन का नहीं है, ये टोटल डेप होता है सब मशीनों का इस साल का डेप ड्यूरिंग द ईयर है। यानी कि जितनी भी टोटल मशीन है सबका टोटल डेप है ये 50,000। इस रूल के हिसाब से ये डेप एक्यूमुलेटेड डेप के अंदर आएगा और बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और कितना था बेटा, मैं कुछ भूल गया दोबारा से, 50,000। डाउट होते एकदम माइक खोलना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार नहीं खोलूंगा, बात वेट नहीं करनी है ना। इसका टोटल कर दो पहले 130 में 1,00,000 गया, ये आ गया 30,000। क्या बोलते हैं, टू मशीन अकाउंट। ये कौन सा डेप है, एक्यूमुलेटेड डेप है और सोल्ड पार्ट। ये डेप मशीन अकाउंट में यहां पर आएगा, ऊपर लिख दो या लिख दो बाय एक्यूमुलेटेड डेप कितना 30,000। अब मैं अगली एडजस्टमेंट पढ़ता हूं, पर ये ध्यान रखना ये क्या चीज है। ये वो है जो मशीन मैंने बेची है उस पे अब तक कुल कितना डेट लग चुका है, कितना लग चुका है 30,000 लग चुका है। प्रॉफिट लॉस निकालने में आसानी हो जाएगी। अब एक मशीन 80 वाली बेची थी और 41 है बेची थी, तो मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं, ये पार्ट में सॉल्यूशन का जो मैं यहां पे कर रहा हूं, बुक वैल्यू 80 माइनस उसका एक्यूमुलेटेड डेप 30,000, तो बुक वैल्यू आ गई 50,000। सोल्ड फॉर 41,000, तो लॉस कितना 9,000, 41 and 9। बाय बैंक आपने बेची 41 की है और लॉस हुआ है 9,000। अब देख लो कितना सी, आई थिंक टोटल है 530। करेक्ट कर देना कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो, 130 यहां पर बैलेंस बचेगा, दैट विल बी कॉल टू बैंक परचेज। कौन सी चीज कहां जाएगी ये भी मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ये लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, एक्यूमुलेटेड डेप कहीं नहीं जाएगा किसी भी एक्टिविटी के अंदर, ये जो टोटल डेप है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि वो जो टोटल डेप है वो तो हर साल जो हर साल का है उस साल के डेप में जा रहा होगा ना, और इस साल वाला भी इसमें इंक्लूड है टोटल डेप के अंदर, वो तो फिर ईयर वाइज जाता है ओपनिंग एक्टिविटी के अंदर। इस साल के तो खर्च जाएंगे तो 50,000 जाएगा बेटा, नोट करना है नोट करो अच्छे से, पूछना है पूछो।
हाँ बोल दो बेटा, इसको प्रॉब्लम है, माइक खोल के बात करो। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा सर इसमें हमने सिर्फ सोल्ड वाले का क्यों डेप्ट लिया है मशीनरी अकाउंट में, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया देखो हुआ हो? देखो मतलब किसमें, ओपनिंग एक्टिविटी में क्या? हाँ बोलो बेटा पार्थ। सर मेरा था डाउट, सर मेरा डाउट था कि इसमें हमने सिर्फ सोल्ड वाला क्यों डेप लिया है मशीन अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में देखो 11th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेप्टिंग चैप्टर आपका ना कट गया था, ये आपके सिलेबस में आता नहीं है डेप चैप्टर के अंदर कि मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट दोनों बनाओ। बेसिकली जब डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट बन गया है तो टोटल डेप तो उसी के अंदर जाएगा, मतलब अगर डैप का अलग से अकाउंट बनाया तो फिर तो डैप उसी में जाएगा ना, फिर वो मशीन अकाउंट में क्यों जाएगा, मशीन में तो मशीन रहती है। लेकिन जब एक्यूमुलेट डैप अकाउंट नहीं बनता तो मशीन में टोटल डैप आता है क्योंकि वो मशीन को अफेक्ट करता है। अब बात ये आ रही है कि एक्यूमुलेट डैप अकाउंट बना हुआ है तो डैप तो हमने इसमें डाल दिया, अब मशीन अकाउंट में कौन सा डैप आएगा, आएगा या नहीं आएगा? मशीन अकाउंट में सिर्फ वो डैप आएगा जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, बस टोटल डैप नहीं आएगा क्योंकि टोटल डेप का अकाउंट बना हुआ है। जब किसी चीज का अकाउंट बन जाता है फिर वो किसी और अकाउंट में नहीं जाती, वो तो फिर उसी में जाती है। तो टोटल डेप तो जो हमारा इस साल का डेप चार्ज हुआ है वो तो इसी में जाएगा। ये 30,000 निकल के आया तो बैलेंस है कि जो मशीन मैंने बेची है उस पर पूरी हिस्ट्री के अंदर 30 का डेप लग चुका है, 80 की मशीन थी 30 का डेप लग चुका, तो वो 30 का डेप यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हमें शो करना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पर डेप आता ही नहीं है। अगर मशीन बेची ना होती तो मशीन अकाउंट में डेप आता ही ना, अगर एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बना हुआ है तो, क्योंकि उसके लिए स्पेशल अकाउंट बना हुआ है। क्लियर है बात? जी सर। तो ये बन गया टोटल। अब इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने चाहिए, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। एक मिनट, हाँ मेरे पास एट द मोमेंट बुक नहीं है लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इलस्ट्रेशन में भी और क्वेश्चंस में भी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्टिंग के अब देख लो कि कहाँ तक ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें ये वाले एडजस्टमेंट्स हैं और यही दो अकाउंट बन रहे हैं। मेरे को नंबर बता दो, इलस्ट्रेशन नंबर बता दो, वही सेम नंबर के क्वेश्चंस होंगे। देख के बताओ, कोई बताएगा क्या बात? अभी दिया इलस्ट्रेशन में खोलो बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर इलस्ट्रेशन तो 27 से है इन्वेस्टिंग की 32 तक। अच्छा तो ठीक है, ये ट्राई करना है इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस।
ये छोटे छोटे से पहले ये ट्राई करो सर। अभी ऑपरेटिंग की भी काफी कम दी थी आपने लेक्चर्स में। ऑपरेटिंग के हमारे कहाँ तक कवर हुए? ऑपरेटिंग के बीच बीच में से दे रखे हैं सर आपने। अरे यार वो बुक पता नहीं कोई बच्चा ले गया और मेरे को दे भी नहीं गया। मुझे मैं क्वेश्चन का नेचर भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। एक काम जरूर करना है, मेरे सबसे पास कौन रहता है? पार्ट रहता है। पार्ट हाँ जी सर। तो मेरे पास कितनी देर में आ जाएगा यहाँ पे अगर बुलाऊ? आधा घंटे या 40 मिनट में। क्या करा? आधा घंटा लग जाएगा मतलब? अच्छा बिल्कुल अभी आऊँ क्या सर? बिल्कुल एक सेकंड, मेरे को होमवर्क देना है, क्लास ऑनलाइन चलते चलते ही। सर वो खाना वाना डाला हुआ अभी आने नहीं देंगे। अच्छा चल कोई बात नहीं, खाना खा के कल ये पॉसिबल है कि जब मैं क्लास लेने बैठूं तो तुम मेरे पास ही बैठ जाओ यहीं पे? हाँ जी सर आ जाऊंगा। तो बस ठीक है, क्लास स्टार्टिंग में था बैठना। फिलहाल मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, इन्वेस्टिंग रिलेशन क्वेश्चन 27 से 32 करना है सबको। ऑपरेटिंग में कल टच करूंगा बुक देख। ठीक है सर। अब पार्ट तो मेरे पास आओगे यहाँ पे। ठीक है सर। ओके बाय बाय। बस एक काम है।